रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारा विदेशी फूड में खुश आमदीद जी। तो व्यूअर्स आप कैसे हैं, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अपने किचन के अंदर यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मैं, अगर आप सोच रहे होंगे तो आज कुकिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैं कुकिंग अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि मैं आपको एक वीडियो की रेसिपी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी लाई हूँ, एक बुरी खबर भी लाई हूँ। तो अच्छी खबर बाद में हम शेयर करेंगे, सबसे पहले हम बुरी खबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दुख जिस चीज़ का हो रहा है, सबसे ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम है जिन लोगों से, तो वो यानी कि जितने भी ये यूट्यूबर यानी कि ब्लॉगर्स हैं जितने भी, तो ये एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा यानी कि एक खिचड़ी नुमा पकना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। वो समझ रहे हैं शायद मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे या ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यानी कि कोई और चीज़ पकड़ लें, मतलब आप नया ट्रेंड भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यानी कि अच्छी अच्छी कोई बिल्डिंग्स या फिर कोई ऐसा कोई ग्रीन ग्रास, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं, तो आप कोई न्यू चीज़ें इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं यहाँ पे। तो बजाय आप ये जो मतलब एक घरेलू झगड़े होते हैं, या मतलब जैसे ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर बना रहे हैं वीडियोस तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो इस चीज़ का बाजुकात तो मैं मुझे बैठकर बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का, कि अगर ये लोग ड्रामा नहीं कर रहे, चलो ठीक है आपकी बात माने, ड्रामा नहीं कर रहे ये लोग, तो ये तो मतलब यूट्यूब को तो फिर ये गलत यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब अपने आपस में बनी बनाई ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो, अगर ये हकीकत नहीं है तो प्लीज़ ये ड्रामेबाजी बंद करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एंड पे ये लाजमी कहती हूँ कि ये ड्रामेबाजी ख़त्म कर दें और नए नए अपने आइडिया लेकर आए, नए नए यानी कि हम लोग जिससे एंटरटेन हो वो वीडियोस लेकर आए, ठीक है। तो अच्छी खबर की तरफ हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अच्छी खबर यहाँ पे ये, इस तरह के मैसेज मतलब दिया करें, जैसे मतलब मैं दे रही हूँ, कोई अच्छी सजेशन दिया करें, कोई अगर किसी पे तनकीद करनी है, कोई तरीके की ज़बान यूज़ करें, एकदम बेहुदा ज़बान यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है अपनी हमारी नेशनलिटी क्या है, ये किस ख़ानदान से या किस जगह से हम ताल्लुक़ रखते हैं। प्लीज़ अपने आप को इतना ना गिराएं किसी चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये है, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको चाहिए, उनको बल्कि मैसेज कीजिए आप यहाँ पे, कि जैसे मतलब एक बड़े कुकिंग चैनल वाले हो गए, बड़े व्लॉगर हो गए यहाँ पे, तो उनको जस्ट एक मैसेज करें कि भाई हम लोगों को प्रमोट करें, ठीक है, या हमारे लिए फ्री शॉट बनाएं, या इस तरीके से आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बजाय आप ये गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अक्सर लेडीज़ बहुत ज़्यादा पंजाबी बोल के गालियाँ भी दे रही होती हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स भी यूज़ कर रही होती हैं, तो अगर जो उर्दू स्पीकिंग है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है कि भैया आप उर्दू बोलती हो, आप ये करती हो वो करती हो, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत हो। तो यहाँ पे मतलब अगर एतराज़ बनता है तो मतलब किसी का भी नहीं, यहाँ पे यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर मतलब अक्सर इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे से मतलब एंटरटेन करने के लिए ऐसी सी आपको आइडियाज़ दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं एक कुकिंग चैनल पे ही मुनसिर नहीं रहना चाहती, मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्लॉग मतलब बना के दिखाया करूँगी, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको दूंगी, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे, बजाय आप एक दूसरे पे तनकीद करने के, एक दूसरे को बुरा भला कहने से, तो इससे कुछ भी नहीं होना, एक आपका इमेज ख़राब होगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, लेकिन ज़बान अपनी इंसान की खुद होती है, चाहे वो अपने आप को अच्छा करवा ले या बुरा करवा ले, लेकिन एक हमारा जो बैकग्राउंड होता है उस तक हमें यानी बुरा भला कहा जाता है, कि अगर मतलब एक यानी कि आप मिसाल दे लें, यहाँ पे एक नया व्लॉगर उठ कर आ गया, ठीक है, नया व्लॉगर है, मतलब या कुकिंग चैनल से रिलेटेड है या किसी से भी है, तो अगर आप यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, तो आपको चाहिए कि आप अपना माइंड बिल्कुल साफ रखें। यहाँ पे हमने जब जिस टाइम आपने वीडियो शुरू की है तो आप बिल्कुल भी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि कुकिंग चैनल छोड़ के मुझे इस तरफ इसलिए आना पड़ा कि मैं देख देख के थक गई हूँ इन चीज़ों को। हम लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा हम व्यूज़ देते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक देते हैं इन्हें, तो यहाँ पे जिस टाइम ये गलत राय रास्ते पे चल पड़े, अब यहाँ पे देख लें पाक विलेज वाले हैं, ठीक है, तो वो दोनों मियाँ भी इतने अच्छे तरीके से रह रहे थे, एकदम उन्होंने जब दूसरे यूट्यूबर्स को देखा कि भाई ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं बुरी तरीके से, इन लोगों को तो व्यूज़ बहुत मिल रहे हैं, सबा अहमद वालों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर उनके बढ़ते जा रहे हैं, अब वो मिलियंस की तरफ आ रहे हैं, तो सब ने इस तरीके से यानी कि दूसरे लोगों पे बुरा इफेक्ट पड़े,
तो मैं ये बस यहाँ पे अगर मतलब कुछ लोग मुझे यहाँ पे कहते हैं कि भी आप लोगों का राइट नहीं बनता, आप लोग क्यों कहते हो इन लोगों को, लेकिन नहीं, ये हर एक का गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो गलत आप बोल सकते हो, आप अपना राइट दे सकते हो हर एक को। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, डेली अपडेट्स हमें आती हैं इनकी, डेली वीडियोस यानी कि जब ये अपलोड करते हैं तो हमें इनकी वीडियो मिलती हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं, थंबनेल में कुछ और है, जब हम ओपन करते हैं वीडियोस तो उसके अंदर कुछ और निकलता है। तो यहाँ पे मैं गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये जेब नहीं रहती, क्योंकि हम लोग घर में बिल्कुल इजी और बिल्कुल साफ सुथरी जबान बोलते हैं। हम लोग घर के मर्द हजरात भी बहुत अच्छी जबान बोलते हैं, हम लोग आपस में बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे गलत वर्ड्स यूज़ करूँगी तो जाहिर सी बात है ये मेरे घर का वही माहौल शो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे हर व्लॉगर को, हर यूट्यूबर को ये पैगाम है कि प्लीज़ अपनी लैंग्वेज कम से कम सही करें एक दूसरे पे। उर्दू, पठान, इंग्लिश जो भी है, मतलब जो भी कोई जबान यूज़ कर रहा है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है यहाँ पे, हर एक को अपनी मेहनत करने दे, तो आपको तो हक ही नहीं पहुँचता कि आप एक मतलब उर्दू स्पीकिंग को बुरा भला करें। हत्ता कि आपने यहाँ तक कह दिया, जिसको मैं कह रही हूँ वो समझ गए होंगे, हत्ता कि आपने यहाँ तक कह दिया कि एक आप तो हिंदुस्तानी हो, उर्दू बोलते हो, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है मतलब हम लोगों को, सराकियों को प्रमोट करने की। तो सराकी लोग तो वैसे मीठी जबान होते हैं, और उर्दू जबान के लोग वो बिल्कुल भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि ये लोग अपने आप से ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोगों का अपना स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे खास मैं अपनी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी को भी किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करती, जस्ट एक मैं समझा तो सकती हूँ, यहाँ पे एक अच्छी सजेशन तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, मैं जो मतलब मेरे माइंड में चलता है मैं यहाँ पे अपना मतलब एक इमो बयान कर देती हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे जो सायरा इजहार है मैं सबका ही बीच में लूंगी, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैंने शुरू में जैसा कि कहा था जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, तो जैसे सायरा इजहार है वो भी अच्छी मतलब गुफ्तगू करती हैं, वो ज़्यादा तनकीद करती हैं लोगों पे, लेकिन एक गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोलती वहाँ पे, जो जिसको कहना है बहुत ज़्यादा तरीके से कहेंगी। मुझे इनकी बहुत अच्छी वीडियोस लगती हैं। यहाँ पे अक्सर यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स का चैनल का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, ताकि मैं अगर किसी के चैनल का नाम लूँगी तो वो फ़ौरन ही उसके चैनल को जाके व्यूज़ मिलेंगे, लोग उसके चैनल पर जाके देखेंगे, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरत हुई है। तो तमाम यूट्यूबर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट समझ लें यहाँ पे। मैं इंशाल्लाह दोबारा से अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती होंगी यहाँ पे, हर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, कुकिंग भी साथ साथ हमारी चलती जाएगी, वो भी मैं साथ साथ लेकर चल रही हूँ। लेकिन मैं जब से मैंने व्लॉग यानी कि व्लॉग वगैरह देखने शुरू किए हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ दूसरे व्लॉगर्स पे, दूसरे यूट्यूबर्स पे बुरा असर ना डालें। आप लोगों को लोग बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से सीखते हैं, तो जैसा कि आप कर रहे हो ऐसे ही दूसरे यूट्यूबर्स करना शुरू कर देंगे, और दूसरे नए आएंगे वो भी ऐसे करना शुरू कर देंगे। तो अगर मेरी बातों से आप बोर नहीं हो रहे तो मैं दो तीन बातें और करना पसंद करूंगी यहाँ पे। बस अपनी वीडियो से काम रखें यहाँ पे, अगर कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग की तरफ रहें, व्लॉग बना रहे हैं तो व्लॉग की तरफ रहें, और प्लीज़ दूसरों पे तनकीद करना छोड़ दें। और अगर मेरी किसी को भी बात कोई भी कहीं भी बुरी लगी है तो मैं यहाँ पे माजरत करती हूँ, और जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वो कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकता है और मुझसे एग्री कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए दिन के साथ दोबारा से हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।